Wah, 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 wah. Oh yes, happy new year. I know, आपको लग रहा होगा बहुत लेट हो गए इस वीडियो के लिए, बट व्हाट इफ आई से लेट नहीं हुए हैं, जल्दी हैं, पूरे 11 महीने हम जल्दी हैं. जी हाँ, अगर आप लेट से पुणे में रहते हो या मुंबई में रहते हो और पहले आपके वेकेशंस ख़त्म हो चुके हों पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि न्यू ईयर्स आ रहे हैं क्या करें, देन आई वुड से इमेजिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. आई एम नॉट सेइंग दैट आप यहाँ अकेले जाएं, आप डेफिनेटली यहाँ ग्रुप के साथ जाएं. तो क्या हुआ है कि इमेजिका में एक फुल डे का फंक्शन, आई वुड से इवेंट था, जहाँ बहुत टाइप की टिकट्स अवेलेबल थी. 5 टाइप का था जो उन्होंने इस साल रखा था. हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और हो, इवेंट्स भी कुछ और हो, प्राइसिंग भी कुछ और हो, बट आई थिंक कुछ ना कुछ इसके आसपास ही रहेगा. तो जैसे इस बार टिकट्स थी जनरल, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड VIP, और सबके अंदर जितने भी जो भी टिकट प्राइसिंग्स थी सबके अपने अपने बेनिफिट्स थे. तो हमने जो लिया था डायमंड लिया था, जिसमें क्या था कि हमें दिन भर सुबह 10 बजे से एंट्री थी, हमारा बुफे डिनर था, एक्सप्रेस एंट्री था सारे झूलों के लिए, और हम सारा इवेंट्स एंजॉय कर सकते थे. नाउ अगर आप VIP लेते तो आपको इन सब के अलावा जो डायमंड पे मिला है, आपको बुफे लंच भी मिलता और फ्री ड्रिंक्स भी मिलते, क्योंकि कम ऑन न्यू ईयर नाइट है तो पीना तो बनता ही है. एनीवेज, तो हमने टिकट्स बुक किए डायमंड, 4 लोगों का बुक किया और GST वगैरह मिला के कुछ 13,500 का पड़ा हमें. हमने अपनी कार ली वहाँ तक, पर्सनल व्हीकल लिया. वैसे अगर आप चाहे तो उनकी भी बसेस चलती है जो आपको प्री बुकिंग करनी होती है, और अगर आपको वहीं जाके स्टे करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज करने के मूड में हैं, तो वहाँ पे होटल्स भी हैं, आप वहाँ जाके रुक सकते हैं. क्योंकि अगर आप ओवरऑल पूरा इमेजिका सब कुछ देखना चाहते हैं, आई थिंक 2 दिन से कम में तो ये आप पूरा कवर भी नहीं कर सकते हो. तो हमने डायमंड टिकट खरीदी. वैसे तो सुबह 10 बजे से एंट्री थी डायमंड में, बट हम वहाँ कुछ 3 बजे के अराउंड पहुँचे, क्योंकि वहाँ एक शो भी था, इवेंट भी था, जिसे हमें एंजॉय करना था. तो हम चाहते थे कि हम लास्ट तक एंड तक पूरा लास्ट कर सके. हम 31st की हमने टिकट बुक की थी, हम क्योंकि ये इवेंट ऑफकोर्स 31st का था. हम वहाँ पहुँचे, हमें स्पेशल एंट्री मिली है, बहुत टाइप के झूले, बहुत कुछ अवेलेबल होता है. एक्सप्रेस एंट्री में ये फ़ायदा है कि शायद आपका वेट टाइम कुछ 30-20 मिनट्स कम हो जाता है जनरल एंट्री से. और वैसे एक बारी जैसे सपोज़ आप एक्सप्रेस एंट्री में खड़े हो तो एक बारी आपको वो छोड़ते, एक बारी उन्हें छोड़ते, पर आप डेफिनेटली 30 मिनट उनसे हमेशा आगे रहते हैं. बहुत सारे झूले होंगे, पर कुछ झूले जो आपको मस्ट करना ही करना चाहिए वो है पहला वाला, जो पूरा वो शो दिखाते हैं, फिर सलीमगढ़ है, अलीबाबा एंड 40 चोर, हॉट व्हील्स नाइट्रो तो फोर श्योर करें, स्क्रीन मशीन, ऐसे मशीन लगता है ऐसे जैसे बस धड़ दिल बाहर निकल के आ गया हो, एंड डेयर टू ड्रॉप. वैसे तो आप घूम घूम के सारा इसमें छान मारे. खाने पीने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, सैंडविचेस हैं, शेक्स हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत चिप्स और ये सब आप बैग में भी लेके चले सडनली भूख लग जाए. ये सब झूले झूलने के बाद हम सबको बहुत भूख लगी थी. फिर हम डिनर करने पहुँचे, डिनर में भी सब राइस, स्वीट में, डिज़र्ट में खीर था, आइसक्रीम थी, और भी बहुत सारे कुछ थे. उसके अलावा वो सब करने के बाद हमारा फाइनली स्टार्ट होता है इवेंट. इवेंट स्टार्ट होते होते आई थिंक 10-11 बज गया था, पूरा इमेजिका लिट अप था. आई डोंट थिंक ये डिज्नीलैंड से कम लग रहा था. आई थिंक अगर डिज्नीलैंड 100x है तो ये उसका बस 50x मान लो आप, इतना सुंदर लग रहा था. और DJ भी स्टार्ट हुआ था, DJ अराउंड 12 बजे तक चला है, और इन्होंने ये परेड भी रखा था, वो सब परेड इतना सुंदर था. सो आई एम गोना लीव यू विद दिस परेड, पुट ऑन सम म्यूजिक, आप ये परेड देखें, देन विल कैच अप अगेन.
जी हाँ, ये परेड भी बहुत अमेजिंग था। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि जब इवेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ अलग से ड्रिंक्स मिल रहे थे। ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे। मे बी आपको जो ड्रिंक बाहर 350 का मिल रहा हो, वहाँ 500 का मिल रहा हो, पर वहाँ आप गए हैं तो आपको स्प्लर्ज करना ही होगा। अगर आप सिर्फ इवेंट के पास खरीद रहे थे तो वो भी अवेलेबल था, आपको डायरेक्ट इवेंट में पहुँचना था, उसकी एंट्री किसी और साइड से थी। पर अगर आप पूरा दिन भर का पास लिए हैं, झूले पे झूले उसके किसी और साइड से थी। फिर स्टार्ट हुआ, डीजे वैसे तो स्टार्ट से ही बज रहा था, बट जो डीजे इनवाइटेड थे, जिसका ये डीजे था, डीजे शैडो दुबई, जी हाँ, अगर आप जानते हैं तो ये डीजे की दुनिया में बहुत बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने सच में क्या मज़े कराए। आई थिंक 12 बजे डीजे बंद होना था, पर इन्होंने 15-20 मिनट स्ट्रेच ही किया होगा। उसके बाद फिर भी हम वहाँ बैठे रहे, घूमे फिरे, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी सुंदर लाइटिंग थी सब। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर कुछ ना हो तो ये मैजिका न्यू ईयर्स के लिए ज़रूर ज़रूर विज़िट करें। वैसे उनका ऐसे भी चलता रहता है, वैलेंटाइन वीक के लिए है, होली पे होगा आई एम श्योर, दिवाली पे होगा, बट न्यू ईयर्स इनका द बेस्ट इवेंट होता है। तो आप नेक्स्ट ईयर ज़रूर विज़िट करें और फिर मेरे को एक साल के बाद बताएं कैसा लगा। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोज़ तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड दीज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।